अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 25 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। फर्स्ट वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फार्मूला, द सेकेंड वन इज़ बिल्ट इन फंक्शंस। We will also perform some practical examples of both of these to get a better understanding of this feature of Microsoft Excel. So the first slide here is that the difference between formula and function. Now what is a formula? Formula is an expression that operates on values in a range of cells or a cell. यानी formula की simple definition क्या है कि formula एक expression है जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी एक वैल्यू पे या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे। अगर एक वैल्यू है तो वो हमें नेचुरली एक सेल से मिलेगी, एंड इफ़ वी हैव ए नंबर ऑफ वैल्यूज़ वी विल हैव टू डिफाइन रेंज ऑफ द सेल्स और इंडिविजुअल सेल एड्रेसेस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट और एन इंस्ट्रक्शन दैट गिव्स अस सम वैल्यू। जैसे हम 1+2 लिखते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता 3। नाउ दिस 1+2 इज एक्सप्रेशन। 1 and 2 आर द वैल्यूज एंड प्लस इज द ऑपरेशन। सो इट मीन्स दैट एन एक्सप्रेशन हैज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। सो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल a+b, तो यहाँ पर जो आपके पास सिंबल्स हैं a और b, दीज आर ऑपरेंड्स वाइल द सिंबल प्लस इज ऑपरेटर। सो a और b आर ऑपरेंड्स स्लैश वैल्यूज ऑन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन, एंड प्लस इज ए सिंबल दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ ऑपरेशन। So expression has these two things. Now what is a function? A function is a predefined formula in Excel, and Excel has a lot of functions. So you can say that there are a lot of predefined formulas in Microsoft Excel. What is the difference of, sorry, what is the advantage of What is the advantage of these formulas? Formulas eliminate laborious manual entry while giving them human friendly names. यानी बजाय इसके कि आप कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए खुद से फार्मूलाज लिखें, तो आपको बने बनाए फार्मूलाज एक्सेल में मिल जाते हैं, हम उनको ईजीली यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन स्टैटिस्टिक्स वी हैव द फार्मूला ऑफ एवरेज, वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, वी हैव वेरियंस। So Excel provides us all these built-in formulas or built-in functions. We can easily use these functions to calculate the standard deviation or the average. So हमें खुद से इनके लिए complex formulas बनाने नहीं पड़ते, तो ये functions या built-in function का advantage है. Now what is a user-defined formula? It is a custom formula that is defined by the user according to his needs. Now it is a formula, so it will have values and it will also have different operators. Now there are different kind of operators. We have arithmetic operators that perform mathematical functions just like plus, minus, multiply and divide. Then we have conditional operators, greater than, less than, greater than equal, less than equal. Now these operators are used to perform comparisons. Jaise हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें, उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, एंड और एंड नॉट। एंड ऑब्वियसली ए यूज़र डिफाइंड फार्मूला कैन आल्सो कंटेन और आल्सो यूज बिल्ट इन फंक्शंस और फार्मूलाज। सो हम यूज़र डिफाइंड फार्मूला में ख़ुद तो फार्मूला बनाएंगे, लेकिन हम जहाँ ज़रूरत पड़े हम बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन राइट user defined formulas?
First of all, we need to select the cell for displaying the result. For example, मैं यहाँ पर Excel on कर open कर लेता हूँ. So ये मैंने basically data entry कर दी. यहाँ पर मैंने value लिख दी 20 और यहाँ पर मैंने लिख दी 30. अब सबसे पहले तो हमने select करना है कि इसका result हमने display कहाँ करना है. We can display the result here. We can display the result here. We can display the result here. Let's suppose we want to display the result in the cell C3. So it means that we have selected the cell for displaying the result. Now why we have selected the cell? To apply formula. क्योंकि formula हमेशा किसी ना किसी cell पर apply होता है, इसलिए हमने cell को select किया formula apply करने के लिए. Now अगर तो मैं ये simple ऐसे value लिख दूँ, तो ये तो simple value है. एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ वैल्यू है और कौन सी चीज़ फार्मूला है. सो इन ऑर्डर टू डू दिस वी विल राइट और टाइप द सिंबल इक्वल. सो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ए फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन. एंड आफ्टर टाइपिंग द इक्वल साइन वी कैन यूज़ अप्रोप्रिएट ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस. अब हम यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना. सो आई कैन राइट 20 + 30. सो प्रेस एंटर, दिस विल डिस्प्ले द रिजल्ट. सो दिस इज़ आवर फार्मूला. आप इसको फार्मूला बार में देखें तो आपको नज़र आ रहा है इज़ इक्वल टू 20 + 30. नाउ लेट्स सपोज आई चेंज द वैल्यू 20 to 50. लेकिन अगर आप नोट करें तो रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ. क्यों रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि रिज़ल्ट में फार्मूला क्या है 20 + 30 का. मैंने तो सेल एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं किए, मैंने तो सिंपल उसे दो कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी जिसको उसने ऐड किया और मुझे रिज़ल्ट शो करवा दिया. सो अगर हमने एक्सेल को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है सो वी विल बी यूजिंग सेल एड्रेसेस. फॉर दिस वी विल चेंज द फार्मूला. नाउ द फर्स्ट वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन द सेल A1. सो आई विल राइट A1. देन आई विल राइट द साइन प्लस एंड द सेकेंड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सेल A2. सो आई विल राइट सेल A2. एंड व्हेन आई प्रेस एंटर इट विल ऐड बोथ दीज वैल्यूज. नाउ लेट्स सपोज मैं इस 50 की जगह वैल्यू कर दूँ 10. सो जैसे ही मैंने 10 वैल्यू चेंज की, साथ ही ये रिजल्ट भी चेंज हो गया. दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक रीकैलकुलेशन. So this is the big advantage of Microsoft Excel, that if you are using cell addresses in a formula, so whenever the contents of cells are changed, it automatically recalculates values. आपको दोबारा से formula apply करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन condition ये है कि आपने cell addresses use किए हुए formula में. अगर cell addresses नहीं use करेंगे तो automatic recalculation भी नहीं होगी. Next we have a few examples. The first example is add 3 numbers. Now let's suppose मैं यहाँ पर 3 numbers लिखता हूँ, number 1, number 2 and number 3, and here I have written 3 numbers 10, 20 and 30. Now again we will decide the cell for the results. Let's suppose this is a cell in which we are going to display the result. So मैं यहाँ पर एक caption दे देता हूँ रिजल्ट की. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल सेलेक्ट किया, इक्वल साइन प्रेस किया, देन वी विल यूज द सेल एड्रेसेस E1 + E2 + E3. नाउ दिस इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ दीज 3 वैल्यूज. नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट स्टूडेंट मार्क्स परसेंटेज. एज यू नो for calculating a student marks percentage we need 2 things. The first one is obtained marks, the second one is total marks, and the third one is the result, that is percentage. Now let's suppose obtained marks jo hain wo 68 hain aur total marks hain 100. Abhi to hame clearly pata chal raha hai ki percentage 68 hogi, but how we can use formula to calculate the percentage? फार्मूला क्या होता है,
परसेंटेज का, परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल सा है, ओबटेंड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज. सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज टू ऑपरेटर्स, वन इज द डिवाइड ऑपरेटर एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर. सो वी विल यूज दीज ऑपरेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेलेक्ट द सेल, देन आई विल प्रेस द इक्वल बटन. नाउ अब आप देखें कि कौन सा सेल जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिस्प्ले कर रहा या ऑब्टेन्ड मार्क्स शो कर रहा. द सेल E8 इज कंटेनिंग द ऑब्टेन्ड मार्क्स. सो आई कैन राइट द सेल E8 डिवाइडेड बाय द सेल E9 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज द परसेंटेज. दैट इज टू फाइंड आउट द टेबल ऑफ ए नंबर. लेट मी क्रिएट ए न्यू शीट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द नंबर विच इज 2 एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टेबल ऑफ 2. सो लेट सपोज मैं यहाँ पर पहले मर्ज सेल कर लेता हूँ और मैं इसको शो कर देता हूँ टेबल ऑफ 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन ऐड कर लेते हैं. 10 वैल्यूज हमने ऐड करनी है. सो आई हैव ड्रैग्ड इट 10 टाइम्स. इसी तरह हमें 2 भी 10 टाइम्स चाहिए, तो हम 2 को भी 10 टाइम्स ड्रैग कर देते हैं. इनकी विजिबिलिटी के लिए हम इनको सेंटर अलाइन कर देते हैं. नेक्स्ट वी नीड 10 वैल्यूज. सो आई विल फर्स्ट राइट 1 एंड ड्रैग दीज वैल्यूज. अब आप देखें तो फिल हैंडल ने सिंपली वैल्यूज को कॉपी किया, तो मैं यहां से इसको फिल सीरीज कर दूंगा. यहां पर हमें चाहिए इक्वल साइन, सो हम इक्वल साइन को एज इट इज कॉपी कर देंगे क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला नहीं लगाया. अब यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो वी कैन राइट इक्वल साइन B5 मल्टीप्लाइड बाय D5 विच इज 2. इसी तरह इक्वल B6 मल्टीप्लाइड बाय D6 विच इज 4. अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां पर सारे फार्मूलाज टर्म बाय टर्म लगाएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज ए फिल हैंडल. वी कैन सिंपली यूज द फिल हैंडल टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज. अब अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज एक्चुअली करेक्ट हैं. सो इट मीन्स कि एक्सेल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली सीरीज को फिल करते हुए फार्मूला के एड्रेसेस को भी चेंज कर दिया. सो एक्सेल हैज एनालाइज्ड दैट वी आर यूजिंग द सेल्स B6, D6, B5, D5. सो व्हेन वी यूज्ड द फिल हैंडल, एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज द सेल एड्रेसेस B7, D7, B8, D8, B9, D9, B10, D10, B11, D11. सो दिस इज आवर बेसिक टास्क फॉर रिप्रेजेंटिंग टेबल ऑफ 2. नाउ फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. अभी तो हमने 2 हार्ड कोडेड यूज किया. हम सिंपली चाहते हैं कि यहाँ पर हमने जो नंबर लिखा हो उसका टेबल डिस्प्ले हो. जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 5 का टेबल डिस्प्ले हो जाए. मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो 4 का टेबल डिस्प्ले हो जाए. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को करेंगे ब्लैंक. उसके बाद हमने सिंपल वैल्यू को कॉपी करना है एंड दैट इज दिस इक्वल्स टू C2. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट 4, 1 टाइम्स 4. नाउ लेट्स सपोज हम इस पर फिन हैंडल यूज़ करके देखें अब क्या हुआ. अब एक्सेल ने दोबारा वही गड़बड़ की, क्योंकि ये सेल C2 था तो एक्सेल ने सपोज कर लिया कि नेक्स्ट C2 होगा, फिर C3, 4 होगा, फिर C5 होगा, फिर C6 होगा, तो इसलिए उसने इस सीक्वेंस को अपडेट कर दिया. अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह काउंटर करेंगे? फॉर काउंटरिंग दिस प्रॉब्लम वी विल स्पेसिफाई द सेल्स.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डॉलर यूज कर दूँ, इसका मतलब है कॉलम सी फिक्स रहेगा। सो इफ आई यूज डॉलर बिफोर टू, इट मीन्स रो भी फिक्स रहेगी। सो अगर अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, एक्सेल जो है उस फोर को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यूज किए डॉलर सी डॉलर टू। तो जब भी आप कॉलम नेम से पहले डॉलर लिखेंगे, इट मीन्स यू आर स्पेसिफाइंग द कॉलम, दैट कॉलम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली इफ यू हैव रिटन डॉलर बिफोर टू, इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग द रो नंबर आल्सो कॉन्स्टेंट, कि रो नंबर भी चेंज ना हो। सो इस तरह से हमारे पास एक्सेल के फार्मूलाज में हम कॉलम्स एंड रोज को कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉलम को ही कॉन्स्टेंट करें या सिर्फ रो को ही करें, इट विल डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आप उसके अकॉर्डिंग कॉलम को कॉन्स्टेंट करेंगे या रो को कॉन्स्टेंट करेंगे या दोनों को कॉन्स्टेंट करेंगे। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया विद सेल एड्रेसिंग। नेक्स्ट वी हैव ए टास्क दैट इज यूज टू कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट एंड अलाउंसेस एंड टैक्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेट सैलरी, वी हैव बेसिक सैलरी, लेट्स सपोज 50,000। लेट्स सपोज वी हैव डिफरेंट अलाउंसेस, जस्ट लाइक 10% अलाउंस वन, 15% अलाउंस टू, 5% अलाउंस थ्री, एंड देन 10% और लेट्स सपोज 7% टैक्स। एंड यहाँ पर हम नेट सैलरी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब बेसिक फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शनिंग ये होती है कि अलाउंसेस हमेशा ऐड होते हैं और टैक्स हमेशा डिडक्ट होता है। सो सबसे पहले हम अलाउंसेस कैलकुलेट कर लें। आप अलाउंसेस किसकी बेस पे बनेंगे? लेट्स सपोज सैलरी की बेस पे बनेंगे। नाउ व्हाट इज द 10% ऑफ 50,000? वी विल राइट 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। 50,000 लिखने के बजाय हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे? उसका सेल एड्रेस। इट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द 10% ऑफ वट एवर द सैलरीज। सिमिलरली 15% अलाउंस टू क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सेल C2। सो वी आर कैलकुलेटिंग द 50% ऑफ द सेल C2। सो दिस इज आवर 15% अलाउंस। अब 5% अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी तरह इक्वल साइन 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। अब यहाँ पर 50,000 दोबारा लिखने के बजाय हम सेल एड्रेस यूज कर लेंगे। सो दिस इज आवर अलाउंसेस। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द टैक्स? वी विल राइट द इक्वल साइन 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द सैलरी। नाउ दिस इज अ टैक्स। अब नेट सैलरी क्या होगी? वी विल ऐड 3 अलाउंसेस विद द बेसिक सैलरी एंड सबट्रैक्ट द टैक्स। सो वी विल राइट द फार्मूला C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 माइनस C6। सो दिस इज आवर फार्मूला एंड दिस इज द नेट सैलरी। नाउ इफ वी चेंज द सैलरी टू 24,000, नेट सैलरी हैज ऑल्सो चेंज। इफ वी चेंज द सैलरी टू 95,000, अगेन द सैलरी इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग। सो दिस इज बेसिकली ऑटोमेटिक रीकैलकुलेशन फंक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ वी हैव द बिल्ट इन फंक्शंस और बिल्ट इन फार्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देर आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ पर करते हैं? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें तो यहाँ पर आपको एक फार्मूलाज की टैब नज़र आ रही है। नाउ दिस कंटेन्स डिफरेंट फार्मूलाज, जस्ट लाइक ऑटो सम, लाइक फाइनेंशियल फार्मूलाज, लॉजिकल फार्मूलाज, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट एंड टाइम फार्मूलाज, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज, एंड सिमिलरली स्टैटिस्टिकल फार्मूला, इंजीनियरिंग फार्मूलाज, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी एंड वेब फार्मूलाज।
सो हर फार्मूला या बिल्ट इन फंक्शन की अपनी एक स्टोरी है और अपना उसका एक वर्किंग मैकेनिज्म है. बट एवरी फार्मूला हैज़ और फंक्शन हैज़ सेम स्ट्रक्चर. एवरी फंक्शन हैज़ ए नेम. नाउ एक्सेल यूजेज डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट आर ईजी टू रिमेंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फार्मूला पर जाऊँ तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सी एच आई एस क्यू डिस्ट. इसका मीनिंग है काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन. सिमिलरली काउंट फॉर काउंटिंग. को वेरियंस. देन वी हैव कॉन्फिडेंस. देन वी हैव एवरेज. इसी तरह अगर हम मूव करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आता है. टी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आता है. सो प्रोबेबिलिटी नज़र आता है. सो दीज आर आल्सो डिस्क्रिप्टिव नेम्स. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्ट इन फंक्शंस हैव डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट आर इजी टू रिमेंबर. देन एवरी फंक्शन रिसीव्स और एक्सेप्ट्स सम पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर दीज पैरामीटर्स. दीज आर बेसिकली सेल एड्रेसेस. आप इनको वैल्यूज भी पास कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन को यूज़ करना है उसके लिए हम क्या करेंगे सेल एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे. नाउ हाउ वी कैन यूज़ ए फंक्शन. द प्रोसेस इज सिमिलर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द सेल फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट एंड देन वी विल राइट द इक्वल साइन एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ द अप्रोप्रिएट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज. एक चीज़ तो यह है कि हम इसको प्लस प्लस के साइन से ऐड कर दें जैसे पहले किया. सेकेंड क्या है कि हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं. नाउ वी हैव ए बिल्ट इन फंक्शन सम. सो इंटेलिजेंस टेल्स यू दैट सम एड्स ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स. सो यू विल ओपन ए ब्रैकेट. नाउ इट इज आस्किंग फॉर पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स. हम इस तरह से भी पैरामीटर लिख सकते हैं सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तब भी ये सम डिस्प्ले कर देगा. वी कैन ऑल्सो डिफाइन रेंज ऑफ वैल्यूज जस्ट लाइक सी टू एंड देन ए कोलन टू सी फाइव. नाउ दिस इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज एंड वैन वी क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर इट ऑल्सो कैलकुलेट्स द सेम वैल्यू. सो दिस दीज आर बेसिकली द वेज टू राइट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला. तो ये हमने लगाया सम फंक्शन. इसी तरह हम एवरेज फंक्शन लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इन तीनों की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो वन थिंग इज़ दैट कि हम यूजर डिफाइंड फार्मूला यूज़ करें. वी यूज़ सी थ्री प्लस सी फोर प्लस सी फाइव एंड देन डिवाइडेड बाय थ्री. नाउ नोटिस यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स यूज़ की. ब्रैकेट्स मैंने क्यों यूज़ की हैं प्रेसिडेंस के लिए. प्रेसिडेंस का मीनिंग क्या होता है कि पहले इन वैल्यूज़ को ऐड करे उसके बाद थ्री पर डिवाइड करे. इफ़ आई रिमूव दीज ब्रैकेट्स तो इसका मीनिंग होगा कि सिर्फ सी फाइव को थ्री पर डिवाइड करे बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ऐड कर दे. सो फॉर इन मेक इन डिफाइनिंग यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रेसिडेंस. नाउ दिस डिफाइंस फर्स्ट ऐड ऑल वैल्यूज एंड देन डिवाइड द रिजल्ट विद द वैल्यू थ्री. अब नेक्स्ट आता है कि हमने फार्मूला कैसे यूज़ करना है. वी कैन यूज़ एवरेज फार्मूला. नाउ जैसे ही आपने एवरेज लिखा आपको पता चल गया रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गूमेंट्स. आर्गूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज पैरामीटर. सो अगेन यू विल राइट द ब्रैकेट एंड डिफाइन द रेंज सी थ्री टू सी फाइव. अब नोट करेंगे ऑटोमेटिकली काउंट करेगा कितनी वैल्यूज हैं. हमें इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं. वी विल सिंपली राइट एवरेज फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल. इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एवरेज. नाउ लुक एट बोथ दिस वैल्यूज. दीज आर आइडेंटिकल एट सेम वैल्यूज. सो इट मीन्स दैट कि फंक्शंस को यूज़ करना ज़्यादा आसान है यूज़र डिफाइंड फार्मूलाज की जगह पर. हेयर वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस. सो एक मैंने आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शन एवरेज दिखाया. नाउ लेट्स सपोज वी हैव वैल्यूज 10, 20 एंड
30. We can select these values and go to auto sum and calculate the sum. Clearly इसने sum display कर दी. इसी तरह हम इन values को click करें and we can calculate the average. Now you can see that it has calculated the average of these numbers. Similarly, we can select these values and click on count numbers. Now it has shown that we have a total of 3 numbers because we selected these 3 numbers. Similarly, we can click on max, so it will give us the maximum number. तो अगर आप formula देखें तो formula क्या है, max और आगे उसकी range. इसी तरह हम इन values को click करें and go for minimum, so it will tell the minimum value. Now what is the formula, min, and then we have a range of values. So these are basically auto summation formulas. इसी तरह mathematics के हमारे पास कौन से function है, for example हमारे पास abs function. Now what is abs function, it is absolute value. An absolute number has no sign, or you can say that it is a positive number. Now let's suppose मेरे पास यहाँ पर नंबर है 5 और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. सो आई विल राइट इक्वल देन ए बी एस एंड देन आई विल गिव द पैरामीटर दैट इज सी 30. नाउ व्हेन आई प्रेस एंटर, सॉरी बी 30. सो व्हेन आई प्रेस एंटर इट डिस्प्लेज द एब्सोल्यूट वैल्यू. Now what happens if I write minus 5? So it again displays the absolute value. So it means that absolute function negates the negative sign. Similarly, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर cosine का function. For example, we have an angle of 60 degree and we want to calculate the cosine value. So we will write cos b 15. So this will display the cos 60 value. Similarly, we have the sine function. This displays the sine value. We have tangent functions that is used to calculate the tan value. So ये कुछ mathematics के functions हैं जो आप यहाँ पर use कर सकते हैं. Similarly, we have a fact function that is used to calculate factorial. For example, I write fact 5, so this displays the factorial of 5. I write a number here and want to calculate the factorial here. I can simply write fact f 18, so this is the factorial of 4. If I change it to 3, the factorial is 6. If I change it to 2, factorial is 2. If I write 0, factorial is 1. If I write minus 5, factorial is error, because we have no factorial for the negative number. So this symbol basically indicates that it is an error. Then we have power function. Now what is power function? Now let's suppose I write power 2, 3, the result is 8. It means that it has calculated 2 raised to power 3 is equal to 8. So these are few mathematical functions. आप इन functions को खुद से perform करके देखें. जब आप इनको open करेंगे तो आपको इनकी direct जो है description नज़र आ जाएगी. आप इसकी description को use करते हुए इनको देख सकते हैं कि ये किस तरह से work करेंगे. Similarly, Excel आपको help provide करता है कि कौन सा फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, कौन सा फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल विद साइन वी हैव ओनली सिंगल वैल्यू, इट मींस साइन विल एक्सेप्ट सिंगल पैरामीटर. सिमिलरली विद सम वी हैव ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सो वी कैन यूज ए नंबर ऑफ वैल्यूज. देन वी हैव स्क्वायर रूट फंक्शन, इट आल्सो एक्सेप्ट्स ए सिंगल वैल्यू. तो आप बहुत से फंक्शंस को देख सकते हैं. Now let's suppose we have some statistical functions. Average ये हमने करके देख लिया. For example, we have the function standard deviation. Now there are two functions for population and for sample. For example, we are calculating the standard deviation for these values. So हम क्या करेंगे, equal स्टैंडर्ड डेविएशन
और जैसे हमने कि ये किया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस फार्मूला आ गया फॉर सैम्पल, और यहाँ पर हम रेंज बता देंगे दोबारा D11 टू D16 लेट्स सपोज। सो जैसे ही हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू आ गई। इसी तरह जो लोग स्टैट पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो यहाँ से स्टैट के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। वी हैव जी टेस्ट, वी हैव वेरियंस, सो आप ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज वर आवर बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। नाउ वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस। नाउ व्हाट आर स्ट्रिंग फंक्शंस? फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टेक्स्ट पर जाएं, यहाँ टेक्स्ट पर आपको जितने फंक्शंस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द कंकैटिनेट फंक्शन। आई हैव रिटन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कंप्लीट नेम। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट नेम क्या होता है? जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके बनता है। नाउ फर्स्ट नेम इज़ ए बी सी एंड द लास्ट नेम इज़ डी एफ। सो फॉर कंबाइनिंग दीज वी कैन यूज़ कंकैटिनेट फंक्शन। वी विल राइट इक्वल कंकैटिनेट। अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, दो पैरामीटर्स देने हैं B3 एंड C3। सो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों में स्पेस नहीं, एक्चुअली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस होती है। तो इसके लिए हम फार्मूला चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट कंकैटिनेट B3 विथ कंकैटिनेट C3 एंड सॉरी स्पेस एंड C3। अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो मैंने B3 से डिफाइन कर दी, और दूसरी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, एक और कंकैटिनेट फंक्शन यूज़ कर लिया। इसको कहते हैं नेस्टिंग फंक्शंस और फंक्शन विद इन ए फंक्शन। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो उसने कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेशन कैसे हुई? सबसे पहले इनर फंक्शन चलेगा जो C3 से पहले एक स्पेस कंकैटिनेट कर देगा। तो यहाँ पर से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ब्लैंक स्पेस C3, और उसके बाद आउटर कंकैटिनेट फंक्शन चलेगा जो क्या करेगा, B3 और सेकंड के रिजल्ट को आपस में कंकैटिनेट कर देगा। सो दीज आर बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस। देन वी हैव लेंथ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ फंक्शन, और यहाँ पर इसको पैरामीटर दे देता हूँ B3। सो इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट इट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 करेक्टर्स। सिमिलरली वी हैव ए लोअर फंक्शन। आई कैन राइट लोअर एंड पास इट ए पैरामीटर, इट विल कन्वर्ट इट इन टू लोअर केस लेटर्स। Then we have a trim function. अब trim function क्या करता है? For example मैंने यहाँ पर लिखा ABCs और आखिर में मैंने spaces डाल दी। Now what will happen? अब अगर मैं इसको concatenate करता हूँ DEF के साथ इसी formula को use करके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर B8 कंकैटिनेट C8। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी स्पेस आ जाएगी। अब ये स्पेस किस वजह से, क्योंकि मैंने ABC के साथ बहुत सारी स्पेसेस यूज़ की। इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट ट्रिम एंड पास इट ए पैरामीटर। नाउ ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। सो ट्रिम फंक्शन किल्स द स्पेसेस। इसी तरह अपर फंक्शन है, आप इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, फाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं,
रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं, दीज आर ऑल वेरी यूजफुल फंक्शंस। देन वी हैव डेट एंड टाइम फंक्शंस। नाउ व्हाट आर डेट एंड टाइम फंक्शंस? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं डेट लिखता हूं 15 इसकी हम सबसे पहले टाइप को कन्वर्ट कर लेते हैं डेट में। सो ये हमने डेट इसकी डेट टाइप कन्वर्ट कर ली। नो लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं टुडे। सो टुडे से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? टुडे से हमारे पास आज की डेट आ जाएगी। इसी तरह मैं यहां पर नाउ यूज करता हूं, नाउ विल डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। सो ये हमारे पास कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं, इनको आप एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको मजीद इनकी समझ आएगी। देन वी हैव लॉजिकल फंक्शंस। नाउ लॉजिकल फंक्शंस आर यूज टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें ये बताओ कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है, उसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं लेट्स सपोज 30। यहां पर हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है, वी कैन सिंपली गो टू लॉजिकल एंड गो टू इफ। नाउ जैसे ही हमने इफ प्रेस किया, इसने हमसे आर्गुमेंट मांगे। सबसे पहले इसने हमसे मांगा लॉजिकल टेस्ट। नाउ ए लॉजिकल टेस्ट विल कंटेन डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, एंड और एंड नॉट। सो हम डिफाइन कर लेते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 40 प्लस हैं वो पास है, और जिसके 40 से कम है वो फेल है। सो वी विल राइट इफ द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज ग्रेटर देन 40 देन स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज स्टूडेंट इज फेल। तो यहां पर आप देखें तो आपको एक लॉजिकल टेस्ट नजर आ रहा है। नाउ लॉजिकल टेस्ट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ C13 इज ग्रेटर देन 40 देन द स्टूडेंट इज पास वैल्यू इफ ट्रू। इफ दिस लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू देन द वैल्यू विल बी पास, एंड इफ दिस लॉजिकल टेस्ट इज फेल और फॉल्स देन द वैल्यू विल बी फेल। सो व्हेन वी प्रेस ओके इट डिस्प्लेज द रिजल्ट फेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 50, सो इट डिस्प्लेज द रिजल्ट पास। सो दिस इज द बेसिक कंडीशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस दैट वी कैन यूज इन एक्सेल। तो सबसे ज्यादा इफ इंपॉर्टेंट है, तो इफ में आपने एंड का यूज, और का यूज और नॉट का यूज जरूर देखना। इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल आल्सो सी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस एज वेल। सो आई होप कि आपको ये फंक्शंस और फार्मूलाज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी यू पीपल गो एंड प्रैक्टिस दीज आउट ऑन योर मोबाइल फोन्स एज वेल एज ऑन योर कंप्यूटर्स, ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाए।